गुड आफ्टरनून एवरी वन वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों मीनू राधा जयाशविन रवीश रोहित सभी बच्चे पहुंच गए हैं और क्लास बच्चों आपकी शुरू हो चुकी है सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये क्लास बच्चों कल से आपकी शुरू हो रही है जो बच्चे भी केवीएस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए एनरोल्ड हैं, ऑब्वियसली दे मस्ट ज्वाइन दिस बैच इसकी फर्स्ट क्लास आपकी कल होगी तो टाइमिंग वही रहेंगे आपकी वन टू थ्री यानी हम जो इसकी टाइमिंग रखेंगे टाइमिंग हमारी इसकी वन टू थ्री रहेंगे यानी कि दोपहर में ही बैच रहेगा वन टू थ्री पी एम तो यह टाइमिंग रहेगी बाकी टाइमिंग में अगर कोई चेंजिंग होती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तो पहली बात 14 दिसंबर और मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि ट्वेल्थ यानी कल और आज ही इसकी फी फोर्टीन नाइनटी नाइन है बाद में इसकी फी बच्चों चेंज हो जाएगी यानी कि वो टू थाउजेंड होगी अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ और क्लास में लेते हैं आज जो हम वर्क करने वाले हैं वो बच्चों करने वाले हैं। परसी बायसी शैली के ऊपर कुछ क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन पीबी शैली ऑल राइट बच्चो तो चलिए शुरुआत करते हैं और लेते हैं पीबी शैली पे बेस्ड सबसे पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देखेंगे सब लोग पीबी शैली बिलोंग टू द अर्लियर जनरेशन ऑफ रोमेंटिक पोएट्स लेटर जनरेशन अर्लियर जनरेशन ऑफ द विक्टोरियन या फिर लेटर जनरेशन तो आपको देखना है यहां पे टू जनरेशन पहले तो आप इसका आंसर करेंगे हमने आंसर पहले से ही बताना शुरू कर दिया दैट्स नॉट फाइन तो आंसर कीजिए कि वो किस जनरेशन को बिलोंग करते थे राधा बी ओके रूबी बी ऋषभ रबीश ठीक है रीना मीनू ये बिल्कुल सही है बच्चों आंसर बी जाएगा आपका क्यों जाएगा लेटर जेनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स यहां पे दो जेनरेशन है एक फर्स्ट जेनरेशन है फर्स्ट जेनरेशन रोमांटिक्स जिसमें कौन कौन है वर्ड्सवर्थ हैं कॉलरिज हैं और सऊदी हैं सेकेंड जनरेशन रोमेंटिक्स में कौन बनेंगे लैम्ब हैं कीट्स हैं शैली हैं बायरन हैं। पहले वाले में वर्ड्सवर्थ कॉलरेजन तीसरा पर्सन कौन है हाँ जी थ कॉलरिज एंड सऊदी ये सही है बिल्कुल बस फर्क इसमें क्या था यह सबके सब नीचे वाले जो थे इनका फोकस था बच्चों इनका फर्स्ट वालों का फोकस था नेचर पे जबकि इनका फोकस था रेवोल्यूशन पे ये रेवोल्यूशनरी मींस को फोकस कर रहे थे तो इसी वजह से पूछा गया पीबीशी बिलोंग टू तो लेटर जनरेशन भाई ये जो सेकंड जनरेशन जिसे हम कहते हैं तो इसी को लेटर जनरेशन भी हम कहेंगे बैक टू नेचर एग्जैक्टली अगली बात पर आते हैं क्वेश्चन है आपका टोटल स्पेन ऑफ शेलीज लाइफ वॉज अबाउट कितने साल का इनका टोटल स्पेन था अगर हम जॉन कीट्स की बात करें तो जॉन कीट्स की जन्म हुआ था फिफ्टीन नाइनटी 1795 में और डेथ होती है 1821 में जबकि अगर हम शैली की बात करें तो बताओ कब जन्म होता है और बच्चों कब डेथ होती है इनकी थर्टी ईयर्स एग्जैक्टली बहुत अच्छे कुछ बच्चों ने बता भी दिया है थर्टी ईयर्स थी एक साल बाद तो ये मरते हैं ट्वेंटी टू में और बच्चों जन्म इनका होता है सेवनटीन नाइनटी टू समझ में आ गई आपको ये लाइफ स्पेंड थी

राइट बच्चों सी बनेगा बहुत अच्छे इट इज ऑन द नेसेसिटी ऑफ अथाइज एक तरह से मैं बता दू ये अथाइज्म का मीन्स क्या होता है जो पर्सन भगवान में विश्वास ना करे यानी इसको हम कहेंगे जैसे थीस्ट होता है भगवान में विश्वास करने वाला और अथीस्ट होता है विश्वास ना करने वाला तो यहां पे ये एक तरह से अटैक था इट वॉज एन अटैक ऑन क्रिश्चियनिटी इन इफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वर्ल्ड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन किसने कहा मैथ्यू आर्नोल्ड जॉन ब्रस्किन लेम्ब या फिर बच्चों अदर कोई थे बता तो बताइए आप लोग तो सने इनको कहा ये हमें देखना है मैथ्यू आर्नोल्ड बिल्कुल सही बात है बच्चों ये कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू आर्नोल्ड थे तो इट वाज मैथ्यू आर्नोल्ड अगले क्वेश्चन पे आते हैं एडोनिस पेस्टोरल एलिजी सबसे पहली बात है कि एडोनिस क्या है ये एक पेस्टोरल एलिजी है तो इसमें कहा है इज अ पेस्टोरल एलिजी रिटन ऑन द दे डेथ ऑफ किसकी डेथ पे कीट्स की डेथ पे बायरन की डेथ पे स्कॉट की डेथ पे या फिर बच्चों सऊदी की डेथ पे किसकी डेथ पे इसको लिखा गया था ये क्वेश्चन हमारा सबसे पहले बनता है एग्जैक्टली इट वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ जोन कीट्स मैंने अभी भी आपको बताया था ना ये जो बात थी यहां पे इनके टाइम की 1821 में डेथ होती है कीट्स की तो कीट्स के लिए इन्होंने एडोनेस लिखी लेकिन इन्हें नहीं पता था कि नेक्स्ट ईयर इनकी भी डेथ हो जाएगी तो ये इसी पे लिखा गया है अगले क्वेश्चन पे आते डिफेंस ऑफ पोएट्री इज अ रीजर सेलीज डिफेंस ऑफ पोएट्री इज अ रीजर टू किसके लिए एक रीजर है आंसर करेंगे सब बच्चे इज अ रीजर टू तो क्या आंसर हमारा होना चाहिए क्वेश्चन नंबर सिक्स का सी एग्जैक्टली बच्चों शैली की जो डिफेंस ऑफ पोएट्री बिल्कुल इस तरह से है रिजोइंडर किसका है लव पीकोक्स फोर एजेस ऑफ पोएट्री है ना दोनों के सब्जेक्ट मैटर को हम लगभग सेम मानते हैं अगला देखेंगे सेलीज डेथ वॉज कोज बाई किससे हुई थी पॉइजनिंग से ड्राउनिंग से कंजशन से या बच्चों फाइटिंग से तो आप मुझे बताएंगे किससे इनकी हुई थी यूपी पीजीटी के लिए अच्छा अच्छा रिचा ठीक है ड्राउनिंग एग्जैक्टली बच्चों इट वॉज ड्राउनिंग ये डूब गए थे कौन से सी में एम आई राइट नॉट आयरिश है कुछ और है तो बच्चों ये आयरिश सी में डूब गए थे और इनकी डेथ हो गई थी द टाइम ही हैड ही वॉज बैक टू द वे फ्रॉम मीटिंग विद बायरन बायरन और स्कॉट से मिलकर आ रहे थे दैट वॉज द Edward किंग नहीं कौन सी क्या आप बात कर रहे हैं एडवर्ड किंग में मीनू वो बेट वो बेटा दूसरा था वो हमारा एडोनी वो हमारा दूसरा वर्ग बनता है ठीक है ठीक है अच्छा मंडे को करवा देगा हाँ मैंने बोला था बिल्कुल मैं करवाता हूं इसको कोई बात नहीं अगले क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाँ लिसीडेस बिल्कुल सही बात है राधा ये लिसिडेस था ऋषभ जी बच्चों वो मिल्टन का था अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है यहां पे नथिंग ऑफ हिम दैट डेथफेड डॉथफेड डॉथ सफर अचें सी चेंज इंटू सम रिच एंड स्ट्रेंज दीज लाइन्स वर इंसक्राइब ऑफ द टॉम्ब ऑफ शैली फ्रॉम वेयर वर दीज लाइन्स बोरोड ये ली कहां से गई थी भाई अगर हम देखें तो यह लाइन्स कहां पर हमें मिलती है ऑन द टॉम्ब ऑफ शैली ये बच्चों ली गई थी फ्रॉम द एरियल सॉन्ग इन द टेम्पेस्ट द टेम्पेस्ट किसका था शेक्सपियर का तो शेक्सपियर के वर्क में एरियल की जो लाइन है उनमें से उस सॉन्ग से लिया गया था इन लाइन को समझ में आ रही है बात आपको अब सब बच्चे मुझे बताएंगे ये किसकी डेथ पे लिखा हुआ था हेयर इज अ पॉइट हुज नेम इज रिटन हेयर इज अ पोएट हुम इज रिटर्न ऑन वॉटर पानी पे लिखा गया है जिसका नाम बताइए एग्जैक्टली वो जॉन कीट्स तो ये बच्चों जॉन किट्स की है जबकि अगर शैली के हम देखें तो नथिंग ऑफ एम दैट डॉट फेड बट सी चेंज और ए कहां से टेम्पेस्ट लिया गया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आपकी आसानी से बन सकते हैं <coughs> क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मेनी कलर्ड ग्लास स्टेन्स वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी ट्रैम्पल्स इट टू फ्रेगमेंट्स डाई ये शैली की किस पोए से लाइन ली गई है हेलास से एडोनाइस से एलास्टर से या फिर सेंसी से लाइफ लाइक अ डोम अगर पहले में देखें तो हम यहां पे सिमली को देखते हैं एडोनेस बहुत अच्छे रिचा करेक्ट बात है इट इज एडोनेस बच्चों एडोनेस जो कि किसकी डेथ पे लिखा था इन्होंने कीट्स की डेथ पे उसी से लाइन ली गई है तो आंसर हमारा जाएगा यहां पे बी रबीश बिल्कुल ठीक है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दो टेल ऑफ द सैडेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट स्काईलार्क विंड लेमेंट लव्स फिलॉसफी हंड्रेड परसेंट बताना है हर बच्चे को हां शैंसी प्ले है बिल्कुल रीना ने बी आंसर दे दिया है जी नीतू गुड आफ्टरनून ओके जया बिल्कुल ठीक है रूबी रिचा राधा रवीश रीना वेरी गुड बच्चो इट इज फ्रॉम द वेस्ट विंड ओ टू देशमिन से ली गई है लाइन वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वोट इज नॉट एंड अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स क्या सब बच्चे मुझे बता सकते हैं स्वीटेस्ट सॉन्ग्सॉट इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमारा यूज हुआ है Which of has been used in this sentence? है बच्चो क्या figure of speech यहां पर आया है शैली रोहित रीना रवि राधा याशविन मीनू रिचा सभी बच्चे बताएं हम यहां पे कौन से ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन ओके एग्जैक्टली ऑक्सीमोरन जाएगा बिल्कुल सही बात है बहुत अच्छे बच्चों विरोधाभास की कंडीशन बन रही है स्वीटेस्ट सॉन्ग्स सेडेस्ट थॉट है ना तो ये ऑक्सीमोरन बन गया अगले क्वेश्चन को देखो रेफरिंग तो एडोनी सेली सेड आई हैव डिपड माय पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स समझ रहे हो आई हैव डिपड माय पेन मैंने पेन को काहे में डिप किया है इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स हु वर दीज डिस्ट्रॉयर्स ये डिस्ट्रॉयर्स बच्चों थे कौन क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको देना है हमने आपको कहा ये जो एडोनिज थी बेसिकली किसकी डेथ पे लिखी गई थी कीट्स की और कीट्स की डेथ बच्चों किस वजह से होती है क्रिटिसिज्म की वजह से क्रिटिसिज्म की वजह से क्यों होती है क्योंकि इन्होंने लिखा था एंडीमियन एंडीमियन किसको इन्होंने डेडिकेट किया था चैटरटन को और इसी का भयंकर क्रिटिसिज्म करती है क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन ओके एडिटर्स ऑफ क्वार्टरली रिव्यू ठीक है नहीं नहीं बेटा ध्यान से देखेंगे अगर एक हो आंसर तो ठीक है क्वार्टरली रिव्यू ये आंसर आ जाएगा लेकिन बेसिकली इन दोनों ने ही किया था तो एडिटर्स ऑफ बोथ क्वार्टरली रिव्यू मैगजीन आप दोनों को आंसर करेंगे यहां पे सो आंसर हमारा क्या जाएगा इट वुड बी डी इन दोनों ने ही खतरनाक रूप से एंडीमियन को क्रिटिसाइज किया था क्या बोला था इनको कॉकनी पोएट्स याद आ गई बात आपको इनको कॉकनी पोएट्स बोला था और इनकी पोएट्री को बोला था कॉकनी पोएट्री कॉकनी का मतलब होता है बिलो एवरेज थर्ड क्लास सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड दैट ही डेवलप्ड कंजम्पशन ही डेवलप्ड कंजम्पशन एंड ही डाइड तो यहां पे शेली इनको वुल्व्स भी कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं वुल्व्स भेड़िये दे आर द भेड़िये हु हैव टेकन माय ब्रदर अवे फ्रॉम मी है ना उन्होंने मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया ठीक है बच्चों आगे बढ़ो टू होम इैली इज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम डेडिकेटेड रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है किसको डेडिकेट किया गॉडविन को मैरी गॉडविन को हेरिट वेस्टब्रुक को या फिर बच्चों जेन क्लेरमेंट को क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर देंगे आप विलियम गॉडविन मैरी गॉडविन हैरिस्ट वेस्टब्रुक या फिर जेन चेयरमेंट वोट शुड बी द आंसर रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वॉज डेडिकेटेड टू एग्जैक्टली बच्चो मैरी गॉडविन को है ना जो मैरी शैली थी तो मैरी शैली या मैरी गॉडविन को इन्होंने क्या किया था उसको डेडिकेट किया था बहुत अच्छे बच्चों मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट जवाब दे दिया है दैट ग्रेट इसी के साथ हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे टू हूम इज शैली इज द सेंस इज डेडिकेटेड द सेंसी by शैली हैज बीन डेडिकेटेड टू बताइए बच्चों सेन्सी उन्होंने किसको डेडिकेट की थी यह आपको बताना है ओके बी बायरन बहुत अच्छे बच्चों ऐसे भी ध्यान रखेंगे सेंसी जो थी वो किसको बायरन को बायरन भी सेकेंड जनरेशन में थे तो आंसर हमारा बी बनेगा दैट्स ग्रेट बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगले क्वेश्चन पे आएंगे वट काइंड ऑफ प्ले इज द सेंसी द सेंसी बच्चों है क्या कॉमेडी ट्रेजिडी ट्रेजी कॉमेडी या फिर एक मास्क है ये आपको बताना है आपको पता है कि सेंसी सेंसी जो होता है ये बड़ा ही क्रुअल पर्सन होता है जिसको इसकी बेटी मारती है जो जिसमें इसकी बेटी इसका मर्डर कर देती है क्या आप जानते हो उस बेटी का नाम क्या है बिट्राइस तो बिट्राइस इज द बेटी हु किल्स मिस्टर सेंसी सो ये क्या बन जाएगी ट्रेजिडी बन जाएगी बहुत अच्छे मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है बहुत अच्छी आगे बढ़ते हैं हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन इज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में कितनी कैंटोज हैं बच्चों ये आपको बताना है हाउ मेनी कैंटोज हैव बीन यूज इन द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम बारह कैंटोज आप कह रहे हैं ओके okay. बिल्कुल सही बात है बच्चों ट्वेल्व कैंटोज इट हैज बिन रिटन इन टोटल ट्वेंट ट्वेल्व कैंटोज ये ट्वेल्व कैंटोज में लिखा गया है राइट बच्चों तो हम इसे तो सबसे बड़ी बात देखेंगे कि बच्चों कितना है ट्वेल्व कैंटोस हैं अगले क्वेश्चन पे आएंगे हाउ मेनी एक्स आर देयर इन सेलीज प्ले प्रोमीथियस अनबाउंड आपको पता है बच्चों प्रोमेथियस ने क्या किया था ही हैड गिवन फायर टू ह्यूमैनिटी फायर टू ह्यूमैनिटी दैट्स व्हाई ही हैड बीन पनिश्ड इसको पनिशमेंट में क्या मिला था प्रिजन इसको प्रिजन पनिशमेंट में मिली थी तो बताइए क्वेश्चन बनता है यहां पे कि कितने एक्स में इसको लिखा गया है हाउ मेनी एक्ट हेयर इन दिस तो ये बिल्कुल सही आंसर दिया है इसमें चार एक्स हैं। मीनू बिल्कुल ठीक है गुड तो देर आर फोर एक्ट इन दिस राइट बच्चों अगले क्वेश्चन पे आएंगे हाउ मेनी एक्ट आर देर इन सेलिज प्ले सेंसी दस एंसी में बताओ आप लोग कितने एक्स बनेंगे हमारे थ्री फोर फाइव सिक्स कितने एक्स में लिखा गया दस एंसी ये पीजीटी के लिए करा रहे बेटा हां पीजीटी टीजीटी सबके लिए है जिसमें आपका बैठता हो आप उसके अकॉर्डिंग कर लो राइट बच्चो इट वॉज इन फाइव एक्स हंड्रेड परसेंट ये फाइव एक्स में है अगले क्वेश्चन को देखो हाउ मेनी एक्स आर देर इन चेलीज प्ले ओडिपस ओडिपस टायन तो ओडिपस टाइनस भी ये समझेंगे शैली का वर्क है और ये टोटल कितने कंटोज में है ये हमें देखना है दो तीन चार या फिर बच्चों पांच एक्स में बनेगा हाउ मेनी एक्स मस्ट बी देयर कितने एक्स हमारे होने चाहिए क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी एक्स आर देर इन शेलीज ओडिपस टायरेनस ओडिपस टाइरेनस मैक्सिमम बच्चों के जवाब हैं यहां पे फाइव या फिर थ्री या फिर टू तो बच्चों ध्यान से देखेंगे ये सिर्फ टू एक्स में लिखा गया है इट हैज बीन रिटर्न इन टू एक्स शेली का जो ओडिपस टायरेनस है दैट वॉज रिटर्न इन टू एक्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन इज द सेंसिटिव प्लांट द सेंसिटिव प्लांट तो बताइए बच्चों द सेंसिटिव प्लांट द सेंसिटिव प्लांट बाई पी.बी. शेली. क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का हमारा आंसर क्या बनेगा तो ये भी बच्चों बिल्कुल सही है थ्री पार्ट्स में लिखा गया है तो इट हैज बिन रिटर्न इन थ्री पार्ट्स आंसर ए जाएगा एग्जैक्टली इट वुड बी थ्री पार्ट्स विच वर्क ऑफ शैली हैज द टाइटल द स्प्रिट ऑफ सॉलिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है आपको द स्प्रिट ऑफ सॉलिट्यूड क्वीन मैप एलास्टर सेंसी या सेंसिटिव प्लांट कौन से को आप बोलेंगे एलास्टर बहुत अच्छे और अलास्टर का बच्चों मींस जो होता है वो होता है इविल स्प्रेड मींस इसका क्या होता है इसका मींस होता है इविल स्प्रेड से फ्रॉम विच सोर्स डिड शेली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमिथियस अनबाउंड ये जो इनको आइडिया मिला था प्रोमिथस अनबाउंड लिखने का ये बच्चों कहां से लिखा एकिलस से Euripides से सेनेका से या फिर बच्चों सोफोकल से बताइए एलास्टर द स्प्रिट ऑफ सॉलिट्यूड एग्जैक्टली आंसर बहुत अच्छे एसिलस से तो आंसर हमारा ए जाएगा है ना सारे ही अगर हम देखें तो क्लासिकल से तो प्रोमिथिस अनबाउंड वहीं से हमें मिला वेर इज दिन ऑफ ऑडिपस टायरेनस बाई शैली लेड ये जो ऑडिपस टायरेनस है ये कहां का सीन है ट्रॉय का थेबिस का कॉन्स्टेंटिनोपल का या फिर एथियोपिया का हाँ ग्रीक राइटर है बिल्कुल ठीक है 22 B का आंसर बनाया है, द प्लेस और सेटिंग हम कहेंगे इसकी इसकी पे पे है? तो इसकी setting यहीं पे है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन है हमारा आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई इज दैट चेंजेस बट इट डाई अकॉर्डिंग टू पोएम बाय शेली क्लाउड या फिर स्काई I change but I cannot die. बहुत अच्छे बच्चों अच्छा ले हंट को ओके दिशा वुड सी ह्यूमन स्प्रिट वेस्टविंडके आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई बच्चों ये पोएम हमारी है द क्लाउड ना वेस्ट विंड है ह्यूमन स्प्रिट है स्काई लार्क है इट इज द क्लाउड तो आपको ध्यान रखना है यह बातें क्लाउड के लिए हैं द क्लाउड शेलीज एरिड टू शेल इज एरिड टू मिरांडा वॉज इंस्पायर्ड बाई शेक्सपियर्स ये जो एरिड टू मिरांडा है ये बच्चों किस वर्क से उनके एक तरह से एनकरेज था यह आपको बताना है एडिड टू मिरांडा भाई सीधी सी बात मिरांडा आपको कहा मिलती है द टेम्पेस्ट में तो आंसर आपका क्या जाएगा सिंपल मैक्सिम बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड और बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यह लाइन किसी वर्ग की बच्चों लास्ट लाइन है क्या है लास्ट लाइन एंडिंग लाइन किसकी है द क्लाउड स्काई लार्क टू द वेस्टमेंट या फिर टू नाइट बहुत अच्छे राखी रूबी अश्विन रेचा रवीश अर्चना रोहित बिल्कुल ठीक है राधा करेक्ट आंसर कर दिया है आपने एग्जैक्टली exactly बच्चो इट इज ओड टू दैस्टमेंड है ना यह ओड टू देस्टमेंट की एंडिंग लाइन है अच्छा पहली लाइन बताओ ओपनिंग लाइन क्या है टू वेस्ट विंड की सबसे फर्स्ट या ओपनिंग लाइंस क्या है ये आपको बताना है बताइए सब बच्चे वॉट वॉट वुड बी द वेरी फर्स्ट ओ वाइल्ड वेस्ट वाइल्ड वेस्ट विंड बिल्कुल बच्चों। तो देखो ये आपका आज का वर्क है होप सो so के ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा बच्चों। इसी तरह से लगातार वर्क करते रहेंगे ठीक है तो जो भी बच्चे चाहें कल से अपने बैच को ज्वाइन कर ले बल्कि आज से सॉरी मैं कहूंगा आज से क्योंकि आज उसमें लेस भी है फी और कल से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी सो so, थैंक यू सो so मच बच्चों डेली क्लास होगी राखी बेटा डेली हाँ डेली क्लास होगी डेली का मतलब है देखेंगे उसमें कि फाइव डेज रखा जाए या सिक्स डेज या फोर डेज इस तरह से उसे कोई दिक्कत नहीं है वो तो आपका सिलेबस पूरा होगा किसी भी तरह से ओके बच्चों बाय थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट टाइम ठीक है रिचा